अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन हूरियास किचन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमारे किचन में क्या बनने वाला है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार खीर, वो भी बिल्कुल नए स्टाइल में, जिसमें हम खोए का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल खोए जैसा होगा। तो चलिए बिना इंतज़ार के बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने खीर बनाने के लिए सबसे पहले लिया है 1 कप चावल, जिनको मैंने बहुत अच्छे से धोकर 2 घंटे पहले भिगो दिया था। और अब ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, इनको हम हाथ से बहुत अच्छे से मसलते हुए छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर लेंगे। और दूसरी तरफ हम लेंगे एक पैन जिसमें ये चावल जाएंगे, और इसमें जाएंगे 3 ग्लास पानी, और इनको हम तब तक पका लेंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। और यहाँ चावलों को तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट के लिए कुक किया है, और ये देखें ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम लेंगे एक ब्लेंडर जग और इसमें इसको डाल के इसकी अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। यहाँ चावलों की पेस्ट रेडी हो गई है, इसको हम एक साइड पे रखेंगे। और दूसरी तरफ हम लेंगे एक देगची जिसमें मैंने लिया है 3 लीटर दूध, और आज हम 3 लीटर दूध से ही खीर बनाएंगे। और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसमें एक जोश नहीं आ जाता। और मिल्क के साथ हमें अभी चीनी बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है। वैसे हम जो खीर बनाते हैं उसमें हम साथ ही चीनी भी ऐड कर देते हैं, चीनी कैसे मिलाएंगे वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। और यहाँ दूध में एक जोश आ गया है, इसमें हम डालेंगे 2 से 3 अदद छोटी इलायची, और अब इसमें वो जो हमने चावलों की पेस्ट बना कर रखी थी उसको ऐड कर देंगे, और इसको बहुत अच्छे से हिलाते जाएंगे ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने। और चावल डालते ही ये बहुत जल्दी थिक होना स्टार्ट हो जाएगी, आपने कंटिन्यू इसमें चम्मच हिलाते रहना है। इस तरह से हमारी खीर जो है वो बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। इसको पकाते हुए तकरीबन यहाँ मुझे 15 मिनट हुए हैं और ये थिक होना स्टार्ट हो गई है। और अब हम लेंगे 4 अदद ब्रेड स्लाइस, जिनके क्रस्ट उतार के उनको हम 1/2 कप दूध के साथ अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, और वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और अब देखते हैं कि इसमें हमने चीनी कैसे ऐड करनी है। यहाँ मैंने ली है एक कढ़ाई जिसमें जाएगी चीनी, चीनी यहाँ मैंने ली है 2 कप। 3 लीटर हमारा दूध था तो 2 छोटे मीडियम साइज कप हम चीनी के लेंगे, और चीनी को हम मेल्ट होने तक कुक करेंगे, और तब तक इसको कुक करेंगे जब तक इसका बहुत प्यारा सा कैरमल कलर नहीं आ जाता। ये हमारी खीर को बहुत ही प्यारा कलर देगा। तो चलिए यहाँ हमने इस स्टेप का बहुत ध्यान रखना है, अगर ये थोड़ा सा भी ज़्यादा कुक हो गया तो हमारी स्वीट खीर जो है वो कड़वी हो जाएगी। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने कुक करना है, और फिर इसको फौरन ही हमने खीर में ऐड कर देना है। तो आप देखिए इसके ऐड होते ही हमारी खीर का कितना प्यारा सा कैरमल कलर आ गया है, और इसको हम बहुत अच्छे से आराम आराम से हिलाते रहेंगे, और कैरमल जो है वो खीर में जाते ही इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ये कुक होगा ये मेल्ट होता जाएगा। तो लीजिए इसको मजीद पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, और ये देखिए किस तरह से थिक हो गई है और इसका कितना प्यारा ही कलर आ गया है। और अब हम इसमें डालेंगे केवड़ा एसेंस 1 चाय का चम्मच, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इसमें बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आएगी। तो लीजिए यहाँ सिर्फ 25 मिनट में हमारी बहुत ही मज़ेदार सी खीर जो है वो बन के रेडी हो गई है। आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख के ठंडा कर लें, अच्छे से चिल होने के बाद इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए कुछ पिस्ता और बादाम से इसको डेकोरेट कर लेते हैं। ब्रेड और कैरेमल इसके टेस्ट को बहुत ही रिच, बिल्कुल खोए जैसा टेस्ट देंगे। आप जब खाएंगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा इसके टेस्ट में चेंज फील होगा। अगर आप इस तरीके से खीर बनाएंगे तो एक तो ये बहुत ही जल्दी बनती है और इतनी टेस्टी बनती है कि दोबारा आप हमेशा इसी तरीके से ही खीर बनाएंगे। तो मेरे कहने पे आप इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये क्विक सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इस रेसिपी को अपने घर पे जरूर ट्राई करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके लिए और आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज आती रहें। तो चलिए अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, मज़े मज़े के खाने बनाकर अपनी फैमिली को खिलाते रहिए। तो फिर मिलेंगे मेरे किचन में किसी नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।